बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बहुत ही मज़ेदार चिकन का शोरबे वाला सालन बनाने लगे हैं, और उसके लिए हमें जो चीज़ें चाहिए वो ये हैं। चिकन 1 किलो, उसको मैंने अच्छे से धो लिया। ऑयल 5 चम्मच, प्याज 5 छोटे साइज़ के जो कि मैंने कटिंग कर लिए हैं, सब्ज़ मिर्चें मैंने 6 अदद ली हैं, और 3 जो है मैंने ऐसे ही रहने दी हैं। अदरक लहसुन का पेस्ट 2 चम्मच, टमाटर 3 अदद, धनिया थोड़ा सा। इसके अलावा स्पाइसेस या मसाला जात भी हैं, जिसकी क्वांटिटी हम आपको बाद में बताएंगे। चलिए चिकन बनाना शुरू करते हैं। और उसके लिए सबसे पहले हम प्रेशर कुकर में प्याज डाल लेते हैं, टमाटर डाल लेते हैं, अदरक लहसुन का पेस्ट डाल लेते हैं, और अब हम थोड़ा सा पानी डाल लेते हैं जिसमें प्याज और टमाटर अच्छे से गल जाएँ, क्योंकि हमने इसको वेट लगाना है। इसको बैलेंस कर लेते हैं। प्रेशर कुकर को हमने अच्छे से बंद कर लिया। अब हम फ्लेम ऑन कर लेंगे, और विसल मोलने के बाद हम 5 मिनट का इंतज़ार करेंगे। विसल मोलने के बाद 5 मिनट हो चुके हैं, अब हम जो है फ्लेम को ऑफ कर लेते हैं। ये देखें, प्याज और टमाटर अच्छे से गल चुके हैं। इसको वेट लगाने की वजह यही थी कि ये अच्छे से गल जाएं। अब जो इसमें पानी है वो अच्छी तरह ड्राई कर लेते हैं। जब ड्राई हो जाएगा फिर उसके बाद इसमें ऑयल ऐड करेंगे। आप देख सकते हैं पानी अच्छे से ड्राई हो चुका है। अब हम इसमें ऑयल डाल लेते हैं। ऑयल में हम इसको 2 मिनट तक फ्राई कर लेंगे। उसके बाद हम इसमें चिकन ऐड करेंगे। हमने 2 मिनट तक मसाले को जो अच्छी तरह ऑयल में फ्राई कर लिया है। अब हम इसमें चिकन डालते हैं, और चिकन को हमने अच्छी तरह ऑयल में फ्राई करना है उस वक्त तक जब तक इसका कलर चेंज ना हो जाए। आप देख सकते हैं चिकन जो है उसका कलर चेंज हो चुका है। अब हम इसमें स्पाइसेस ऐड करते हैं। हल्दी पाउडर 1 चम्मच, लाल मिर्च पाउडर 1 चाय का चम्मच, नमक 1.5 चम्मच, कलवंजी चुटकी भर, गरम मसाला पाउडर 1/2 चाय का चम्मच, और थोड़ा सा हम इसमें 4 गोश्त मसाला डालेंगे टेस्ट के लिए। अब हम इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। थोड़ी सी सब्ज़ मिर्ची ऐड कर लेंगे, थोड़ी सी गार्निश के लिए रख लेंगे। अब हम इसको 5 मिनट तक फ्राई करेंगे, और जब ऑयल सेपरेट हो जाएगा फिर हम इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे। तीन बड़े साइज़ की मिर्चें डाल लेते हैं। इसको अच्छे से मिक्स करते हैं। अब हम इसमें पानी डाल लेते हैं हस्बे ज़रूरत। फ्लेम हमने हाई कर दिया, और बॉयल आने पे फ्लेम को लो कर देंगे। ये देखें पानी में बॉयल आना शुरू हो गया। अब हम इसकी फ्लेम लो कर देंगे। अब हम 15 मिनट तक इसको लो फ्लेम पर पकाएंगे, उसके बाद आपसे मिलते हैं। ढक्कन ढककर देख लेते हैं। ये देखें कितना प्यारा ऑयल सेपरेट हो चुका है, और बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी लग रहा है। अब हम धनिया डाल लेते हैं इसमें, और धनिया डालकर 1 मिनट तक इसको मज़ीद पका लेंगे। धनिया डालने के बाद 1 मिनट हो चुका है। आप देख सकते हैं बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी लग रहा है। फ्लेम ऑफ कर लेते हैं, और अब हम इसको सर्विंग बाउल में निकाल लेते हैं। बहुत ही मज़ेदार चिकन का सालन तैयार हो चुका है। हमने इसको सर्विंग बाउल में निकाल लिया है। आप भी इस रेसिपी को बनाएं, और मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपकी ये रेसिपी कैसी बनी। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।